आज यूपी की राजधानी लखनऊ के लोक भवन में 647 नव चयनित वन रक्षकों और वन्य जीव रक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अब बिना सिफारिश नौजवानों को नौकरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षा होने और नियुक्ति पत्र मिलने की प्रक्रिया में पूरा 1 साल लग जाता था, पर अब 6 महीने में ही नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। पहले लोगों को नौकरी पाने के लिए सिफारिश लगानी पड़ती थी, पर अब पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ओलावृष्टि होना, एक ही समय में एक ही क्षेत्र में अलग अलग पार्ट में एक जगह सूखा पड़ा है, एक जगह बाढ़ आई है, कहीं पर अतिवृष्टि हो जा रही है और कहीं पर लोग एक बूंद जल के लिए तरस जाते हैं। दोनों नुकसानदायी है, अति सर्वथा प्रचेत, और ये चीज आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के भुक्तभोगी है। आज 688 ये नवनियुक्त वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने कर सकते हैं, और जिससे आज आपको यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। आप सब जानते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद, यानी विभाग जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या विभागीय परीक्षा के बाद या जो भी बोर्ड और कमीशन के द्वारा परीक्षा होती है उसके बाद भी जब फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में लगभग 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन बिना किसी उसके लिए लेट किए बगैर